अभी जब दिल्ली से आता था ना तो मुझे सोना होता था, एकदम आते ही अम्बाला सोना, फिर उसके बाद नहीं होता। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, देखते हैं। बहुत थक जाते हैं। ऐसा करने से क्या होता है, क्या होता है, नींद आ रही है, सो जाओ, चाय पी लो या सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं। लाइट सा ले लेते हैं, रात और शाम होगी ना। हेलो, हाँ जी बोलिए। अच्छा अच्छा मैं देखता हूँ, जल्दी देखता हूँ, थोड़ा वेट कीजिए। हाँ जी, एक्सक्यूज मी, बोल दो। कोल्ड कॉफी विद आइसक्रीम या प्लेन? प्लेन ही विद कोल्ड कॉफी विद आइसक्रीम। हाँ प्लेन, कोल्ड कॉफी प्लेन। एम्बियंस अच्छा नहीं आता? एम्बियंस अच्छा है, कोई नहीं होता तो मुझे अच्छा लगता। क्या होता? कोई नहीं होता तो। अच्छा, एकांत। मुझे भी एकांत ही पसंद। मतलब अगर मैं उसी कॉफी शॉप पे जाती जहाँ भीड़ ना हो और सारे लोग वो देखते हैं कि जहाँ पे क्राउड ज्यादा हो। ये भीड़ नहीं है अभी, तुम देखना रात के 9 बजे तक ना पैर रखने की जगह नहीं होगी। हाँ? उस टाइम आना, बल्कि लाइनें लगती हैं वहाँ पीछे तक, लाइनें लगती हैं। और जब भी आते हैं घूमने तो यहीं रुकते हैं, 5 बजे पराठे खा के यहाँ से फिर आगे चलते हैं। तुम एक ना वो खबरों में साथ कोई सोप सूप कोई शैम्पू शैम्पू कोई पूछे ऐड कर देखो, ये लगा ये लगा। रीडिंग तो देखो भाई, मैंने इनको बताया इनके पास है एक दिव्य लाइन जो मैं आपको दिखाता हूँ। तो अभी जो है मेरे पास ये जो आप फेम लाइन देख रहे हैं, ये हर किसी के पास नहीं होती, ये जो फेम लाइन जा रही है ये फेम लाइन इनके पास ही है। बाकी जो है आप इनकी लव लाइन देखिए, उसमें भी चेन बनी हुई है, हेडलाइन में भी चेन है और लाइफ लाइन में आइलैंड है। तो बहुत ही मैं कहूँगा दिक्कतें आएंगी इनको, बीमारियाँ जो हैं छोटी मोटी लगी रहेंगी। और शंखु प्रकार के व्यक्ति हैं, 2 इनके चक्र हैं और ब्रेसलेट जो है इनके बन रहे हैं, 1-2 बन रहे हैं, तो मैंने इनको 50 साल लकी बना दिया है। इसके बाद जो है इनके तिल हैं, तिल काफ़ी शुभ संकेत देते हैं, लेकिन ये तिल तिल ही है ना, ये लग तो नहीं रहा बिल्कुल, फीका सा है। बीच में है तो इनकी मध्यमा में जो है तिल है, ये बहुत ही अच्छा संकेत देता है, शुभ फल लाता है। लेकिन ये जो इनको बाहर तिल आ गया, ये खर्चीला इनको बनाएगा। और इनके साथ देखिए, ओ माय गॉडनेस, 2 That means तुम्हारी 1-2 रिलेशन रहेंगे तुम्हारी। कौन है, कौन कौन है? 2 रिलेशन है, हमेशा 2 नहीं, जैसे एक छोटी सी रहेगी फिर एक बड़ी रहेगी, मतलब अभी एक जैसी रहेगी कुछ सालों तक, उसके बाद एक बड़ी बनेगी, मतलब चलेगी 5-6 साल चलेगी एक, फिर उसके बाद एक जो लास्ट वाली रहेगी ना, कौन सी रहेगी इतना नहीं पता मुझे, सिर्फ इतना पता है 2 रहेंगी, 2 होंगी, समझे? बस यही है और कुछ क्या बताऊँ इनके बारे में, सब बढ़िया है।